गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, बड़ा ही खुशियों भरा ये दिन है। जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है कि इंडिया फिर से वर्ल्ड फिजियोथेरेपी जो है उसका मेंबर बन गया है। बीच में ये नहीं था, उसको भी लेकर खैर पीछे मैंने सवाल उठाया भी था, लेकिन अब अच्छी बात है कि हम फिर से विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और इस जीत का जो श्रेय है वो तमाम उन लोगों को जाता है जिन्होंने दिन रात इसके लिए मेहनत की है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि इस जीत का जो श्रेय सबसे पहले तो उन तमाम मेंबर्स को जाता है जिन्होंने अपने मेहनत से खून पसीने की जो पैसे जो उन्होंने कमाई, जो मेंबरशिप फ़ीस के तौर पर IAP को दिए, क्योंकि अगर वो पैसे ही ना होते तो शायद आज ये रजिस्ट्रेशन ही ना होता, और उन्हीं की बदौलत ये सब हो पाया। तो हर वो शख्स इसके लिए बधाई का पात्र है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। फिर बात आती है कि उन अधिकारियों की जिन्होंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया और उस बात को सही से रखा, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि मैं हमेशा IAP के विरोध में होता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार हमेशा बोलता हूँ IAP के विरोध में बिल्कुल भी नहीं, IAP की गलत नीतियों के विरोध में हूँ। आज IAP ने कोई अच्छा काम किया है तो खुले दिल से इसकी तारीफ भी बनती है। बिल्कुल वो सारे के सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये मेहनत की, लेकिन यहाँ एक चीज़ सोचने का विषय ये है कि सारे के सारे, ना कि चंद एक, क्योंकि कुछ जैसे हमेशा होता ही रहा है एक गलत नीतियों में, एक नीति ये भी है फिलहाल IAP की कि कुछ भी हो तो सबसे पहले, क्योंकि औरों को तो कहा जाता है कि डिजिटल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें ना करें, सवाल जवाब ना करें, लेकिन ये तमाम सेलिब्रेशन और तमाम चीज़ें जो अपनी हैं वो डिजिटल मीडिया के थ्रू ही तो करते हैं। तो वहाँ पर भी अभी पोस्टर्स की दौड़ लग चुकी है, बहुत सारे पोस्टर हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से इस चीज़ को जज कर रहे हैं। कोई इस जीत का हीरो किसी और को बता रहा है, कोई किसी और को बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के हीरो तो सारे ही हैं। सारे मेंबर हीरो हैं, सारे ऑफिस बियरर हीरो हैं, और अगर सही मायनों में अगर पूछा जाए तो वो जो पदाधिकारी हैं, जो हेड पोस्ट पे हैं, सेंट्रल कमेटी के हमारे अधिकारी हैं, वो इस जीत के सही मायनों में असली हकदार हैं। चाहे वो प्रेजेंट प्रेजिडेंट हों, चाहे वो इससे पास्ट प्रेजिडेंट हमारे हों, या उससे भी पास्ट प्रेजिडेंट हों, क्योंकि ये तीनों ने मिलके ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और अगर इस तीन में भी अगर किसी एक को जज करने की बात आए, किसी एक के सिरे पर अगर ये बात रखी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कमेटीज़ के लिए जो प्रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे डॉक्टर अली रानी जी, ये उन्हीं की मेहनत का प्रयास है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई कहा, किसी की कही जाएगी कि मेहनत किसने की, तो उन्होंने की। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि वो अगर मौजूदा समय में, शायद आज की डेट में इस IAP के प्रेजिडेंट होते, तो शायद IAP की दिशा कोई और होती, किसी और ही दिशा में तरक्की कर रही होती, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल चेहरा हैं। मुझे याद है मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे 600 रुपया पर मंथ उनको मिलता था जब उन्होंने फिजियोथेरेपी कोर्स करके अपनी फर्स्ट जो सैलरी कहीं से विड्रॉ की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया इसी फिजियोथेरेपी के बूते कि सिर्फ एक मैच के उनको 1,40,000 रुपये सिर्फ एक मैच के उनको दिए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक कहाँ वो हस्ती जो 600 रुपये से अपना करियर शुरू करके एक दिन का, एक मैच का 1-1.5 लाख रुपये तक पहुँचे, और कहाँ आज के हमारे नेता, चाहे वो कोई भी हों, मैं सबकी ही बात कर रहा हूँ, जिनको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप, यहीं पर क्रांति करनी है। क्या लोग थे वो, क्या लोग रहे होंगे वो, क्या मेहनत रही होगी उनकी। और बड़ा ही मतलब सुखद एहसास है ये, क्योंकि मैं अभी उनको कल परसों ही किसी एक और इंटरव्यू में सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी जो उनका एक विज़न जो उन्होंने अपना डिस्कस किया कि फॉरेन में क्या कल्चर है, कैसे फिजियोथेरेपी को आगे ले जाया जा सकता है, इंडियन फिजियोथेरेपी में क्या कमी है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो एक विजनरी अप्रोच मैंने उनके इंटरव्यू में उनकी देखी, उनकी सुनी। मतलब मैं बड़ा ही हतप्रभ हूँ, बड़ा ही आश्चर्य में हूँ कि कैसे आज उनको सिर्फ एक कमेटी तक ही सीमित कर दिया गया है। बल्कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए हमारी IAP के, क्योंकि उन्हीं जैसे लोगों के बदौलत ही हम शायद और आगे तरक्की कर सकते हैं। वो चेहरा हैं, वो चेहरा ना होते तो शायद आज हम इंटरनेशनल ना होते। आज हम इंटरनेशनल हैं तो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के प्रयासों की बदौलत। हाँ, उनके साथ साथ फिर प्रयास बाकी कमेटी मेंबर्स के भी जुड़ जाते हैं, बाकी प्रेजिडेंट्स के भी जुड़ जाते हैं जो उनके बाद में आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस काम को और आगे बढ़ाया, सिरे चढ़ाया, चाहे उसमें आज के ही प्रेजिडेंट क्यों ना हो। लेकिन
जो पोस्टर छाप के बांट रहे हैं, क्या उन लोगों का कोई रोल था? ये सोचने की बात है। आज हर आदमी खुश है तो ये खुशी सबकी साझी है। हर इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए खुशी की बात है कि वो एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी का हिस्सा बन गए हैं। ये किसी चार पोस्टर के लिए, दो पोस्टर के लिए, एक पोस्टर के लिए, सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है ये खुशी, ये तमाम लोगों की खुशी है। खुले दिल से जब हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो खुले दिल से हमें तारीफ भी करनी चाहिए, और आज मैं खुले दिल से तारीफ कर रहा हूँ कि IAP का ये स्टेप सच में अच्छा है और इन फ्यूचर डेफिनेटली ये बेनिफिट देगा। अगर सही मायनों में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने जो पॉलिसी बनाई है इंडियन फिजियोथेरेपीज के लिए, या वर्ल्ड फिजियोथेरेपी को लेकर जो पैरामीटर सेट किए हैं, उनको इंडियन फिजियोथेरेपी कम्युनिटी फॉलो करेगी तो। हाँ, अगर सिर्फ लोगो लगाने तक ही सीमित रहेगी सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर तो जितना हमने मेंबरशिप का ये इतना पैसा जो अभी दिया है, तो मैं समझता हूँ ये तो सारा ही वेस्ट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं इतना अच्छा हुआ है तो और भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, फिर भी लास्ट में एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस जीत का कोई एक वन मैन अगर डिक्लेयर करना हो, वन मैन हीरो कोई डिक्लेयर करना हो, तो मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टर अली ईरानी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कमेटी के उनको नियुक्त किया गया, जिस चीज़ के लिए उनको प्रेसिडेंट एक्सटर्नल कमेटी का, इंटरनेशनल अफेयर्स का जो प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया था, उन्होंने उसको पूरा निभाया और इस जीत को दर्ज कराया। क्योंकि कमेटियां तो और भी हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं, लेकिन वो कहाँ काम कर रही हैं? शायद वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, उनका सारा काम सिर्फ फेसबुक तक ही शायद सीमित है। तो वहीं एक बीच एक ऐसा शख्स जिसने फिजियोथेरेपी को पहचान दिलाई। अगर एक मैं यहाँ आज एक चीज़ ये कहना भी चाहता हूँ कि अगर हम इसको, अगर इंडियन फिजियोथेरेपी की मैं बात करूँ, तो यहाँ इंडियन फिजियोथेरेपी का अगर कोई भीष्म पितामह अगर किसी को कहा जाए, तो शायद वो डॉक्टर अली रानी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये झंडा बुलंद किया था जब फिजियोथेरेपी को कोई जानता नहीं था। आज हम लोग भाग के एग्जाम्पल दे देते हैं कि जी फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जब टीम में जब चोट लगती है प्लेयर को, तो एक थेरेपिस्ट दौड़ता हुआ आता है ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। लेकिन वहाँ पहुँचाया किसने, पहुँचाने वाले कौन थे? तो आज जो हो रहा है इस पोस्टर की दौड़ में, इस पोस्टर की भीड़ में, कहीं ना कहीं उनके जो प्रयासों को बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनको शायद अभी ABCD भी प्रॉपर पूरी नहीं समझ आई है फिजियोथेरेपी की, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति समझ आई है। तो ये सच में दुखद है, लेकिन फिर भी तमाम इतनी अच्छी चीज़ों के बीच छोटे मोटे दुख बर्दाश्त करने लायक हैं, किए जा सकते हैं। तमाम लोगों को फिर से बधाई। आप हर एक मेंबर, हर एक ऑफिस बियरर आज बधाई का पात्र है जिसने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और आज हमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी में फिर से एक अपना खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाया। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।